जड़ी बूटी का राजा है ये, इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। क्या है ये, क्या है ये? जड़ी बूटी का राजा है, दीव मशरूम है इसका नाम। मशरूम, दीव मशरूम, इसका आयुर्वेद ग्रंथ के चरक संहिता में इसका उल्लेख है। अच्छा, क्या करता है ये? ये अंदर जो अभी हवा पानी भोजन प्रदूषित हो चुका है, ये अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। अभी तो बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलें भी बढ़ रही है, लेकिन बीमारियां रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। भारत का प्राचीन दवा जड़ी बूटी है, जो लोग भूलते जा रहे हैं और बीमारियां की ओर जा रहे हैं, बल्कि हम लोग का बीमारी जड़ी बूटी से ही ठीक होने वाला है। हम 17 साल बीमारी से परेशान रहे, मतलब इतना रोती थी, पूरा परिवार परेशान थे। परेशानी थी? हाँ, क्या लेकिन परेशानी थी? लीवर का प्रॉब्लम था, दो दो बार भेलोर भी गई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, थक चुकी थी। फिर आपकी कथा सुनने लगी तो हमको लगा कि मेरा कर्म दंड है जो हमें परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। आपकी कथा सुनने के बाद हमको शांति मिलने लगा, लेकिन उसी बीच में एक और गुरु माता पिता मिले। आपकी कथा का और आपका आशीर्वाद के कारण आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है बल्कि भगवान से बढ़कर है, तो उनकी उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनके द्वारा फिर ये प्रोडक्ट मिली तो मेरा तो विश्वास। ये कहाँ होता है? ये घनी आबादी जंगल में होता था, लेकिन एक ऐसे इंसान है, साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इनका रिसर्च है। मैं प्रोडक्ट भी लाई हूँ और फाइल भी है। पहले आप इसके बारे में, जब आपको टाइम मिले तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, फिर आप खुद यूज कीजिएगा। इसको कैसे यूज करते हैं? हम बतलाए हैं, प्रोडक्ट बैग में है, प्रोडक्ट मैं बता देती हूँ। क्या घोल के पीना है, कैसे खाना पीना है भाई? सारा चीज है, मैं थोड़ा सा तो बताओ बताओ, सबको पता चलेगा। क्योंकि डेली मैं परसोंतरी सुनती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, तो हमें लगता है कि लोग बीमारी से परेशान है। मैं गांव-गांव जाती हूँ, आपकी कथा के बारे में भी बताती हूँ और ये इसके बारे में भी बताती हूँ कि इसको आप यूज कीजिए, आपका बीमारी नहीं। तो इसको कैसे यूज करना बताओ ना। इससे बनी प्रोडक्ट है, देखिए डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट पहले के राजा महाराजा लोग यूज करते थे, जो अधिक वर्ष तक जीवित रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन ये ओरिजिनल चाय में, मतलब चाय पेस्ट कॉफी इस प्रकार में डाला हुआ है, क्योंकि अभी के लोगों को दवा खाना, चाय पीना, कॉफी पीना आदि हो चुके हैं लोगों को, तो ये जड़ी बूटी तो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक ऐसे इंसान है जो खड़गपुर से IIT किए हैं और ये मलेशिया की हैदराबाद सिद्धिपीठ में भी इसका फैक्ट्री है, जो हम जाने वाले हैं, गए नहीं है। सुबह आप जो मिले थे वही हैं आप? हाँ, सुबह आपसे भोजन लिए थे, खीर लिए थे। उसके बाद हम मलेशिया से ये देख के आए, ये जड़ी बूटी कैसे बनता है सो मलेशिया से भी हम देख के आए। अरे भाई सुनो, वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए? ये तो कुकुरमुत्ता है क्या? इसे ये इससे बनी प्रोडक्ट लेना पड़ता है, इसके बारे में एक सैंपल में बता रही हूँ। मशरूम है क्या? हाँ, लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। नहीं तो इसके बारे में, हमारे यहाँ इसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। नहीं जैसे ये चाय में, ये चाय में 2% इसका डाला हुआ है, इसका पानी फुला के पीने से या चाय भी पीने अच्छा से ना, तो इसको पानी में डाल दो, ये फूल जाए, वो पानी पी लो तो शरीर से गंदगी, नाखून से सर तक शरीर से गंदगी बाहर निकलता है। ये सेल पर डायरेक्ट काम करता है, जिसके कारण सारी बीमारी का जड़ तो मशरूम की सब्जी जो खाते हैं उनकी सारी निकल जाती होगी। नहीं उससे वो चीज ये नहीं है गुरु जी, मतलब इसका क्या, ये लाल मशरूम है, लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है, कुकुरमुत्ता तो नाम ही पड़ा है इसका। हमारे गाँव में ना बरसात में क्या होता है, जैसे गोबर ओवर नहीं हो जाता, घूरा बोलते हैं, घूरा, जहाँ सब लोग कचरा फेंकते थे ना, उस कचरे में कुकुरमुत्ता हो जाता था, छत्ता छोटा सा, उसके साथ हम लोग बचपन में खेलते थे, हमारा छाता, हमारा, बाद में पता चला इसे खाते भी हैं। नहीं तो वो चीज़ ये नहीं, परंतु शास्त्रों में इसको खाने का वर्जित बोला है, कुकुरमुत्ता को। नहीं नहीं, इसकी इसे दीप मशरूम में इसका उल्लेख है, औषधि के रूप में प्रयोग हो सकता है, बात ठीक है आपकी। नहीं नहीं, ये साग सब्जी खाने का मना किया गया है। ये दीप मशरूम है इसका नाम, जो हदीस शरीफ की किताब आयुर्वेद ग्रंथ के चरक संहिता में इसका उल्लेख है, और वैज्ञानिकों द्वारा और बड़े होगा, आयुर्वेद में इसका उल्लेख होगा, इसके लिए मना ही नहीं है। इसका अब तरीका क्या है, किस तरह से प्रयोग किया जाए, प्रोडक्ट ला के दिखा दे रही। राधे राधे गुरु जी, हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद चाहिए हम बच्चों पे और हमारे पे, और हमारे पति देव आपसे कुछ प्रश्न करने चाहते हैं। ये दिखाओ मशरूम। हाँ बताओ मैया। गुरुदेव, प्रतिदेव हमारे प्रश्न करने चाहते हैं आपसे, तो
राधे राधे गुरुजी। क्या कह दी, मैं ये सुनाई नहीं पड़ा हमें, अगर फिर कह दो मेरे लिए। हम ये कुकरमुत्ता में लगे रहे, मेरे लिए, मेरे लिए बोल रही थी, प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। अरे दो पूछो, क्या दिक्कत है गुरुजी? जैसे अक्सर अपने एक मिनट, ये असली है कि नकली है? ये तो खूब होता है, घूरे में होता है। सही है, सही सही। अभी आप अंदर बैठेंगे तो बताना सर, आप बताओ।